तालियों से स्वागत होनी चाहिए इस कार्यक्रम का। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर और बेहतरीन नजारा दिख रहा है। ढोलक की धुन और मांदर का धुन, आप पर हमारी माताएं बहनें फिरकती हुई, बहुत ही बेहतरीन नजारा यहाँ पर परमसिया के मैदान में एक अलौकिक क्षण यहाँ पर दिख रहा है। जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, हमारे यहाँ जो भाई हैं परमसिया के, हमारे साथी हैं, हमारे चचा जी हैं, और दीप प्रज्वलन के बाद अब बैलून गुब्बारा उड़ाने का जो कार्यक्रम है, अब विधिवत रूप से फीता काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए कि पूरा हमारा बरमसिया गूंज जाए आज विकास के लिए। और गुब्बारा धीरे धीरे नीली नीली घास की ओर, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच अब कुछ ही क्षण में हाथ से गुब्बारा उड़ेगा आकाश की ओर। विकास का एक और गुब्बारा यहाँ पर उड़ेगा और जहाँ जहाँ भी लोग इसको देखेंगे कहेंगे भाई बरमसिया के मैदान का ये रंग बिरंगा गुब्बारा जा रहा है विकास के लिए, मोहब्बत की का पैगाम देते हुए। और कमजोरी ना हो, और यही तो वो क्षण होता है, वह तालियां बजे और ये तालियां बरमसिया के मैदान में वहां तक जानी चाहिए। मुंगेर पुलिस द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस आपके द्वार प्रोग्राम का आयोजन बरमसिया, जो कि धरारा प्रखंड का एक नक्सल प्रभावित गांव है, वहां पे आयोजन किया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पे 3 ग्राम रक्षक दलों की टीम को बनाया है और वहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, फुटबॉल मैच का आयोजन, पेंटिंग कंपटीशन और 100 मीटर्स रेस जो कि महिला और पुरुष दोनों के साइड से करवाया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे हमारे द्वारा जो है वहाँ पे यहाँ मुंगेर के चिकित्सकों के हेल्प से हम लोगों ने फ्री हेल्थ कैंप लगाया, जिसमें बच्चों की, महिलाओं से संबंधित ब्लड प्रेशर या फिर और भी जो समस्याएं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, और फ्री दवाई का वितरण भी किया गया है। और यहां पर सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस की तरफ से तथा संथाल नाच और जो कूड़ा का जो एक मुरमू नाच है उसका भी आयोजन किया गया था। तो ये एक हम लोग की पहल थी जो है कि जो पुलिस है वो रक्षा के लिए है और हम लोग हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे। और इसी क्रम में हम लोगों ने जो एक पुलिस सप्ताह मनाया जाएगा 22 से 27 तारीख के बीच में, तो उसके आलोक में हम लोगों को एक गांव का गोद लेना था, जहां पे जाकर के पुलिस अधीक्षक से लेकर के नीचे के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किसी एक गांव में चूज करके वहां पे शिक्षा के संबंध में तथा और भी जो क्राइम, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन वगैरह के बारे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना है, तो उसकी आलोक में हम लोगों ने बरमसिया गांव को अडॉप्ट। सबसे एक हम लोगों को मोटिवेटिंग बात ये लगी कि हम लोग तो वहाँ प्रोग्राम किए ही किए, लेकिन जो गाँव वालों का वहाँ जो हम लोग को सहयोग मिला, उसमें कई लोग ऐसे थे जो कि पहले मुख्य धारा से हट गए थे और फिर वापस बाद में वापस आकर के वो गांव वालों को प्रेरित भी करते हैं कि जो है वो मुख्य धारा में रहें और जो सरकार की जो स्कीम है और जो भी उनके लिए डेवलपमेंट की गोल्स हैं या फिर उनको जो है कैसे सशक्त या फिर स्वस्थ समाज बन सकता है उसकी तरफ प्रेरित करते हैं। तो ये हम मतलब बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा क्योंकि गाँव वालों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत। हमारा ये उद्देश्य बरमसिया में कराने का इसलिए भी था कि ये काफ़ी हार्डकोर नक्सली क्षेत्र माना जाता है और हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो है वहाँ परिस्थितिवश या मजबूरीवश अगर लोग अपना रास्ता बदल लिए हैं तो मुख्य धारा में वापस आ जाए, हिंसा या फिर जो बंदूक उठा करके आपको वो डेवलपमेंट या फिर आप एक बेहतर समाज नहीं बना पाएंगे जो कि एक कलम की ताकत में होती है। तो हम लोग का ये संदेश था इस तरीके से कि पुलिस वहाँ जाकर के उन लोगों को मोटिवेट करे और शिक्षा की तरफ उनको मोड़ देगा, जिससे कि वो लोग बेटर समाज बनाने में हम लोगों की मदद करें और उन लोगों का अपना बेटरमेंट।